हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। किवें हो? सारे वधिया हो। हुण मैं आपके सामने जो है बहुत ही प्यारा, बहुत ही फेमस फूल है ये, वो आपको सिखा रही हूँ। और ये पत्तियाँ है ना, इस पे मैंने एक कोट कर लिया है और दूसरे कोट में ये कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। और अब हम इसको बनाते हैं। ये पहले मैंने ऐसे आउटलाइन कर लिया है, ठीक है। एक मिनट में लाइट ऑन कर लूँ। सॉरी, फिर आपको और क्लियर दिखेगा। मेरे ये रूम में 4 और 2 6 6 लाइटें चल रही हैं और सातवीं ये रिंग। अब देखो, अब आपको दिखेगी आउटलाइन। मुझे पहले काम करती हूँ मैं सिर्फ 3 लाइटों से, और वीडियो बनाने के लिए 6 लाइटें जगाती हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बट आप तो मुझे बहुत रिस्पॉन्स देते हो, लाइक भी करते हो, पर ये हो जाता है ना, हर किसी को पेंटिंग नहीं पसंद। तो जितने पसंद है देखते हो आप, लाइक करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्र है। परमात्मा आपको बहुत तरक्की दे। और जो सूट पेंट कराते हैं, मुझे पैसे देते हैं, मेरे से काम कराते हैं विश्वास करके, भगवान जितने का सूट मेरे से कराते हैं उससे 4 गुना उनको जो है बख्शीश दे परमात्मा। देखो, मैंने इधर एक फूल बनाया है, उसमें मैंने बनाया तो मुझे जो डिफिकल्टी आई वो इसमें मैं नहीं आने दूंगी। तो मैं थोड़ा पहले बना के देख लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने येलो कलर लिया, मैंने उसके अंदर पहले पानी लगा लिया था क्योंकि मिक्सिंग करने के लिए पानी लगाना होता है ना, पर ये मिक्सिंग ऐसी है जो दिखनी चाहिए, ऐसे पार्ट में दिखनी चाहिए, तो उसमें पानी लगाना जरूरी नहीं है, बस कलर कोई थोड़ा पतला ले लो। तो मुझे वहाँ पे उसको फिर सेट करने में इतनी डिफिकल्टी आई, तो अब मैं आपको ये मेथड बताती हूँ। अब मैंने इसको वॉश कर लिया, वो मैंने सारा का सारा पानी लगा के एक साथ में बनाया था ना, और ये अब एक एक बनाएंगे। मेथड वो भी ठीक है, लेकिन वो जैसे कम प्रैक्टिस वाले के लिए ठीक नहीं है, वो फिर ज़्यादा उलझा देगा आपको डिज़ाइन। एक एक समझना ठीक है। अब ये इसी तरह से ये पांचों हम करेंगे, लेकिन इसको बनाना इस तरह से भी जो जैसे अब ये दोनों पत्तियां हैं ना, ये इसके ऊपर ये लगनी चाहिए, इसके ऊपर ये, और सभी के ऊपर ये। अब आप देखते रहो इसको, आप कलर जितना मर्जी हो सके पतला ले लो, लेकिन पानी मत लगाना नीचे। पानी अब पहली बार तो सर्दियां आ गई, वैसे भी कलर सूखता नहीं, और नीचे पानी लगाने से फिर वो मिक्सिंग जो इस तरह वाली है वो हो नहीं पाएगी। इसकी बस शेप का ध्यान रखना है, उसको आप देखो ध्यान से। ऑरेंज कलर बिल्कुल नाम मात्र ही लगाना है ब्रश में। इधर तो फिर मेरे से थोड़ा ज्यादा लग गया। बस फिर उसको ऐसे से मिक्सिंग सी कर देंगे, ठीक है। अपने 2 पार्ट बन चुके हैं। अब इसको इसके नीचे शो करना है ना, इस तरह ये बनाएंगे। ये
ये अब आधी पत्ती बनाई है ना, वो इस आधी इसलिए बनाई है ताकि ये लगे इसके नीचे आई है। एक मच्छर मुझे बहुत परेशान कर रहा है बार बार। ये देखो, डर लगता है मुझे डेंगू फीवर से, क्योंकि मुझे आराम की जो अवस्था है ना वो कम पसंद है, काम करते रहना ज्यादा पसंद है। अब ये देखो, ये आधी पत्ती इसलिए बनाई है ताकि ये इसके ऊपर लगे, उसी तरह इसको आधी पत्ती बनाएंगे। ये जो जैसे यहाँ पे तो पूरी पूरी बनाई है ना सारी, देखो इधर पांच बनाई है पूरी, इधर चार बनाई है, अब ये इतनी हाफ बनाएंगे। उससे ऐसे लगेगा कि भाई ये इसके नीचे है, अभी तो नहीं लगेगा, जैसे जैसे ये बनता जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा, तब आप देखना इसको बन जाएगा जब। क्योंकि पहले मैंने जो गलती उस फूल में की वो फिर आप मत दोहराओ। सॉरी, ये आधी पत्ती थी और ये कंप्लीट, अब ये आधी है और ये दो तीन जो भी है कंप्लीट है। ये ठीक है, अब लास्ट रह गई, उसके बाद इसका फाइनल टच करेंगे। ये ऊपर और इस साइड व्हाइट कलर करना है, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। ठीक है, बस इसकी इतनी शेडिंग करनी है। ये डिजाइन काफी पुराना है और मतलब, लेकिन एवरग्रीन होते हैं ना कई, जैसे पुराने गाने, मतलब ये इसको आजकल में भी काफी बना रहे हैं। तो मैंने इसको मॉडिफाई करके थोड़ा बनाया है, क्योंकि ये फ्रॉक सूट पे ज्यादातर बनाते हैं। इसकी व्हाइट शेडिंग ऊपर की तरफ है, इसकी अब नीचे की तरफ है। अब ब्रश को पोंछ के व्हाइट कलर, अब इसको अगर पोंछने के बाद मिक्सिंग नहीं होती तो वॉश कर लो। वॉश करने से ना ब्रश गीला हो जाता है थोड़ा सा, और गीले ब्रश से अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाती है। अब वो व्हाइट कलर ऑरेंज येलो में मिक्स हो गया एक साइड से। ठीक है, अब इसी तरह व्हाइट कलर इन तीनों में करेंगे, और फिर व्हाइट कलर करने के बाद ब्राउन कलर, और लगभग फिर बन जाएगा। एक पत्ती यहाँ पे पूरी व्हाइट बनानी है, ये वाली।
बस इसकी नीचे की तरफ से वाइट शेडिंग की है, बाकी सबकी ऊपर की साइड से। वो फिर बार बार मेरी तरफ मच्छर आता है, मुझे डर लगने लग जाता है। मेरा आधा ध्यान वीडियो में आधा मच्छर में है, कि मुझे काट ना ले। वैसे मैंने पूरा प्रबंध करके बैठती हूँ, फिर भी मच्छर मुझे बहुत काटते हैं। ओडोमास लगाती हूँ और जो भी प्रिकॉशन होते हैं। हमारे यहाँ पर एक अगरबत्ती मिलती है, वो लगा देते हैं सुबह शाम, तो भी बहुत मच्छर है। अक्टूबर के महीने में जहरीला मच्छर ज्यादा होता है। एक मिनट में कहोगे कि ज़्यादा बात ही है, देखो मैं बना ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ। इस तरह थोड़ी थोड़ी मैं बिल्कुल थोड़ी सी जो है पैरों पर ऐसे लगा लूँ मैं, मुझे डर लगता है मच्छर से। अब खा गया तो मेरा काम रुक जाएगा पेंटिंग का। ये देखो, देख रहे हो ना, अब इसमें रेड कलर हल्का हल्का, ये थोड़ा ज्यादा लग गया। ये मैंने रेड कलर लगा दिया, अब इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब मैं ब्राउन कलर लूंगी, फिर ब्लैक लूंगी, फिर जाके धीरे धीरे बनेगा ये। अब मुझे मच्छर तंग नहीं करेगा जो बार बार कर रहा था। मेरे पास दो ये पोंछने वाले कपड़े पड़े थे, एक मैंने जोर से इसके ऊपर फेंक दिया, अभी उसके नीचे ही है। जब तक अपने वीडियो बना लेंगे तब तक मुझे डर नहीं लगेगा, मच्छर से बहुत डर लगता है।
ये फूल देखने में अच्छा लगता है, बनाने में थोड़ा सा मेहनत है। अब इसको फिर ब्रश से मिक्सिंग करेंगे धोकर। लेकिन बनने के बाद बहुत बहुत ज्यादा, मतलब जो मेहनत जरूर लगेगी लेकिन मेहनत वसूल हो जाएगी, क्योंकि ये सुंदर बहुत लगेगा बनने के बाद, वेरी अट्रैक्टिव। और एक कॉमन से डिजाइन होते हैं ना पेंटिंग में, जो अपने को इतने अट्रैक्ट नहीं करते। अगर हम बनवाते हैं कोई डिजाइन या खुद बनाते हैं तो ऐसे लगता है ना, हाँ ये तो इतना कॉम भाई, मतलब बढ़िया नहीं बना। तो ये इसके साथ ऐसी फीलिंग नहीं आएगी आपको। ये अगर आप बनाओगे ना कोशिश करके, तो आपको लगेगा जैसे ये मैंने बना लिया, वाओ ऐसी फीलिंग आएगी। क्योंकि मिक्सिंग बहुत है ना इसमें। आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी, और मैं बहुत कम डिजाइन रिपीट करती हूँ, वो भी जो कोई मुझे बहुत कंपेल कर देता है। मेरी यही इच्छा, यही कोशिश होती है कि मुझ पर छोड़ दे कोई भी डिजाइन बनवाना हो। मैं कपड़े के अकॉर्डिंग, ग्राहक की इच्छा के अकॉर्डिंग। अपने आप बना दूंगी, मुझे बहुत खुशी होती है। अब सूखने के बाद एक बार फिर ब्लैक जो शेडिंग अपन ने मिक्सिंग किया ना वहां पे, फ्लैट ब्रश से बारीक बारीक, बस या बारीक ब्रश से दाने लगा देंगे। अब मैं इसकी लिप्स पे थोड़ा बहुत काम करके लगा देती हूँ। ओके, वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। ये मैंने पहले डार्क ग्रीन लिया, उसके ऊपर ऊपर रेड कर दिया। आप देखते जाओ ध्यान से। मैं थोड़ा सा इसको और क्लोज ले आती हूँ। आप देखो दिख रहा है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे ज्ञान आता जाएगा। देखो कोई भी काम करते हैं ना अपन, पहले तो हमें कुछ नहीं पता होता, धीरे धीरे ही पता लगता है ना। पहले तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भी मैं YouTube पर वीडियो डाल सकती हूँ, इसलिए अब यहाँ पे लाइट कलर। और कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। ये देखो, कभी लाइट कभी डार्क, वैसे ये फ्लैट ब्रश वाला लीव्स हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों मैं इसी ब्रश से ही बना देती हूँ। मतलब वन स्ट्रोक पेंटिंग, कभी ऑरेंज कभी लाइट वो येलो। पहले वो बेस किया होगा ना और वो सूख गया होगा तो ये ऊपर जल्दी बन जाता है, पतला पतला नीचे। ये जो मैंने बेस पहले कर दिया था ना ग्रीन का, फिर इसलिए जल्दी बन जाता है। अगर अपने साथ के साथ करेंगे फिर वो सूखेगा तब। तो मुझे वीडियो बनानी थी, मैंने फटाफट पहले कर दिया थोड़ा। मैंने सोचा जब तक फूल बनेगा ना तब तक ये सूख जाएगा। अब हाँ,
हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मैं ना अब धीरे धीरे पैसे जोड़ के कैमरा लूंगी। उससे क्या है, कैमरे से बनेगी और बढ़िया वीडियो बनेगी, क्लियरिटी आपको बढ़िया दिखेगी। मैं 1 साल से पहले पहले फोन बदल देती हूँ, क्योंकि YouTube पर थोड़ा महंगा फोन ही चाहिए ताकि उसमें अब ये देखो इस तरह से ये लिप्स जितनी मर्जी आप बड़ी बनानी है बड़ी बना दो, इसी तरह सारी लिप्स बनानी है। ये थोड़ा पानी ज्यादा लग गया मुझसे, फैल ना जाए। अब जो ये लिप के साथ साथ है ना, यहाँ पर ब्लैक कलर करना है, उससे फिर वो 3D इफेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पर सारा आराम आराम से ना, इस तरह से, और फिर उसको धीरे धीरे ऐसे फैला देंगे। ठीक है ना, अब जहां जहां पे ब्लैक की शेडिंग दोबारा दिखानी है, फाइनल टच वो कर देंगे। ये तीनों लिप्स भी इसी तरह ही बनाने हैं। मैं इन्हीं इन्हीं को अब फाइनल करके आपको बता देती हूँ। ओके, अभी जिसने लाइक नहीं किया ना लाइक कर दो, नहीं मैं कल वीडियो नहीं बनाऊंगी, देख लो। हाँ पक्का, जल्दी से लाइक कर दो। 1 मिनट में देखती हूँ, मेरे पास पड़ा है फ्लैट ब्रश, उससे करके देखते हैं। लाइक कर दिया ना, आप अजमा के देखना। मैं ये नहीं कहती कि मेरी वीडियो ही लाइक करो या वीडियो ही लाइक करो, कुछ भी अच्छा काम करोगे ना आप। अब जैसे ही मैं वीडियो चढ़ाती हूँ तो कमेंट का जवाब मैं एक साथ कई बार मैं नहीं दे पाती, बिजी हो जाती हूँ। लेकिन जब मैं देखती हूँ, मैं मन से तो ऐसे कमेंट पढ़ के कभी कभी टाइम होता दे देती हूँ, कभी नहीं, लेकिन मन से तो मैं ऐसे सोचती हूँ ना, जिसने भी मुझे ऐसे वीडियो देख के कमेंट किया होता है, लाइक किया होता है, तो भी मैं कैसे कहती हूँ भी, बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे मन से दुआ निकलती है। किसी का भी भला करेंगे ना अगर हम। अब ये मैं फाइनल टच कर रही हूँ। ओके, ये जब से मैं सिखाने लगी हूँ YouTube पे, और पहले मैं नहीं सिखाती थी, है ना, जब से सिखाने लगी हूँ ना मेरे साथ प्लस पॉइंट ये मेरा फायदा हो गया। देखो एक ही इंसान है, कईयों को मैं बुरी भी लगती हूँ, कईयों को अच्छी भी। जिनको मैं अच्छी लग रही हूँ उनके बारे में बता रही हूँ, तो जिसे किसी को फायदा होता है मेरी वीडियो से, वो कोई सीख गया या कोई डिजाइन, तो वो मुझे दुआएं देते हैं फिर। और अगर मैं सिखा रही हूँ अच्छा काम कर रही हूँ ना, तो उसका रिजल्ट हमें देर सवेर मिलता ही है। अब मेरे पास इतना काम है, पेंटिंग का काम आता है,
है ना, कहाँ कहाँ से फौरन से काम आता है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कभी भी। रब जो है ना देखते हैं, चाहे किसी तरीके से ही आप दसवंध निकालो, निकालो जरूर, चाहे अपने हाथों से ये सेवा करके चलो। अब जितना हो सके, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि देखो हर कुछ अपन फ्री तो नहीं बता सकते हर बार, लेकिन जितना कम सेवा है जैसे करनी चाहिए। मैं ना दसवंध की बात कर रही हूँ। दसवंध मीन्स जितना भी हम पैसों से मैं सिखाती हूँ, मान लो उसका 10वां हिस्सा अब जैसे करना चाहिए, तो फिर बाबा जी जरूर खुश होते हैं। इसीलिए अगर आप मुझे लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो अब देखो इसको फाइनल टच बोलते हैं। अभी जैसे मैं जो कर रही हूं ना, ये तो सूखने के बाद ही आएंगे ना फाइनल टच, वाइट कलर से। ये देखो पसंद आया होगा फूल। ये फूल है ही बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा। जैसे जो लाइट होए उस पर तो व्हाइट के कर दो, डार्क हो उस पर येलो के टच कर दो, और फिर इस तरह से, क्योंकि नीचे बेस अभी थोड़ा थोड़ा गीला ही है। थोड़ी मिक्सिंग कर दो। ओके, अब ब्लैक कलर का ऐसे लेके ना यहां से ग्रीन कलर आ गया ये। चलो मैं ब्लैक बाद में कर दूंगी ऐसे। ये देखो इस तरह से करके यहां पे ऐसे ऐसे से डॉट्स लगा देंगे, येलो के या व्हाइट के। इसी तरह से ये सारा मैं फूल जो है बना लूंगी, और ये डिजाइन जब बन जाएगा तब मैं आपको जरूर जरूर वीडियो डालूंगी। ये देखो इस तरह से मैंने ये हैवी वो बनाया है। ओके, बाय बाय, सी यू। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अब मैं ना ये सोचा है कि मैं अपनी जो शॉर्ट्स वीडियो है ना वो मैं इंस्टा पे डाला करूँगी, क्योंकि फिर इंस्टाग्राम पे डाल सेम सेम डालती हूँ कोई देखता नहीं। अब मैं शॉर्ट्स वीडियो उस पर डाल दिया करूँगी। आप इंस्टा पर जरूर जरूर देखा करो। मेरी इंस्टा आईडी है sukhvinder3334, 3334। आप उसको भी फॉलो कर लो, और ये जो डिज़ाइन है उस पे डालूंगी, और ये सिखाने वाला इस पे यूट्यूब पे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।